अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के रिजल्ट लगातार सामने आ रहे हैं और जो रुझान सामने आ रहे हैं हम लगातार आपको बता रहे हैं। हर सीट का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं, कौन कहां आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और कहां पर वोटों का अंतर कितना दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के बाद अब आम आदमी पार्टी सरकार बनाते हुए दिख रही है और कौन कहां कौन सी सीट पर कितने वोट से आगे पीछे है वो हम आपको एक एक कर बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं नरेला विधानसभा सीट से, जहां आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, शरद कुमार उम्मीदवार हैं और बीजेपी यहां पीछे चल रही है। वोटों का जो अंतर है, वोटों का अंतर 1638 है यहां पर। इसके बाद बुराड़ी आती है जहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, संजीव झा उम्मीदवार हैं और बीजेपी के शैलेंद्र कुमार पीछे हैं और यहां पर वोटों का जो अंतर है वो 6988 का है। इसके अलावा तीमारपुर, जहां दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और सुरेंद्र पाल बिट्टू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और दिलीप पांडे जो है वो आगे चल रहे हैं और जो वोटों का अंतर है यहाँ पर वो है 4477। इसके अलावा आदर्श नगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं और बीजेपी यहाँ पीछे है और वोटों का जो अंतर है वो 1202 है। इसके अलावा बादली की अगर बात की जाए तो बादली में आम आदमी पार्टी के अजेश यादव जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा रिठाला विधानसभा पर मोहिंदर गोयल जो है वो आम आदमी पार्टी के लीड बनाकर चल रहे हैं और मनीष चौधरी जो हैं बीजेपी के वो पीछे हैं, वोटों का जो अंतर है वो 3114 है। इसके अलावा बवाना विधानसभा सीट जो है वहाँ पर रविंदर कुमार भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जय भगवान यहाँ पीछे हैं और वोटों का अंतर 7315 है। मुंडका से आज़ाद सिंह भारतीय जनता पार्टी की और धर्मपाल लाकरा जो हैं आम आदमी पार्टी के वो पीछे चल रहे हैं, वोटों का जो अंतर है वो 906 है। किराड़ी विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो ऋतुराज गोविंद आम आदमी पार्टी के यहां आगे चल रहे हैं, अनिल झा बीजेपी के पीछे हैं, वोटों का अंतर मात्र 178 है जो कि कभी भी आगे पीछे हो सकता है। इसके अलावा सुल्तानपुर माजरा की अगर बात की जाए तो मुकेश कुमार अहलावत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं, रामचंद्र चौहारिया जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो पीछे हैं और वोटों का अंतर जो है वो 6037 है। नांगलोई जाट की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी पीछे है और जो वोटों का अंतर है वो 4842 है। मंगोलपुरी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की राखी बिरला यहाँ पे आगे चल रही है, बीजेपी पीछे है और वोटों का अंतर मात्र 785 है। इसके अलावा रोहिणी की अगर बात की जाए तो राजेश नामावसी वाला यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो है वो आगे चल रहे हैं और बीजेपी यहाँ पीछे चल रही है, बीजेपी की सबसे पक्की सीट मानी जाती है लेकिन यहाँ पर बीजेपी पीछे है और वोटों का अंतर 1739 है। शालीमार बाग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी पीछे है, वोटों का अंतर मात्र 1233 है। शकूर बस्ती की अगर बात की जाए तो शकूर बस्ती में बीजेपी आगे चल रही है और सत्येंद्र जैन जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो मंत्री भी रहे हैं वो मात्र 51 वोटों का अंतर है यहाँ पर और वो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा तिलकराम गुप्ता टीआरआई नगर से आगे चल रहे हैं बीजेपी के और आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है और 1324 वोटों का अंतर है। वजीरपुर की अगर बात की जाए तो वजीरपुर में राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के आगे हैं, बीजेपी पीछे है और वोटों का अंतर जो है वो 2565 है। मॉडल टाउन की अगर बात की जाए तो कपिल मिश्रा बीजेपी के आगे हो गए हैं, अभी तक पीछे चल रहे थे और आम आदमी पार्टी पीछे हो गई और मात्र 98 वोटों का अंतर है। यहाँ भी कभी भी बदल सकता है आंकड़ा और कोई भी आम आदमी पार्टी आगे आ सकती है, 98 वोटों का अंतर मात्र है। सदर बाजार की अगर बात की जाए तो सोम दत्त आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं, बीजेपी पीछे है, 5580 वोटों का अंतर है। चांदनी चौक की अगर बात की जाए तो प्रहलाद सिंह सावने जो है वो आम आदमी पार्टी के वो आगे चल रहे हैं और अलका लांबा कांग्रेस की जो है वो पीछे चल रही हैं और 5886 वोट का अंतर है। मटिया महल की अगर बात की जाए तो शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं, बीजेपी पीछे है, 9515 वोटों का अंतर है, सबसे बड़ा अंतर यहां पर देखने को मिला है। इसके अलावा बल्ली मारान की अगर बात की जाए तो इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के आगे हैं और बीजेपी की लता पीछे हैं, 1469 वोटों का अंतर है। करोल बाग में भी आम आदमी पार्टी आगे है और बीजेपी पीछे, वोटों का अंतर 6000 का है। पटेल नगर की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर वो आगे चल रही है और बीजेपी पीछे, वोटों का अंतर 4196 है। मोतीनगर की अगर बात की जाए तो शिवचरण गोयल आम आदमी पार्टी के आगे हैं और बीजेपी पीछे चल रही है, वोटों का अंतर 2096 है। माधीपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। रजौरी गार्डन की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी आगे है,
बीजेपी यहां पीछे है और 1646 वोटों का अंतर है। हरिनगर की अगर बात की जाए तो राजकुमारी ढिल्लन आगे चल रही है आम आदमी पार्टी की, बीजेपी यहां पर पीछे है और 56 वोटों का मात्र अंतर है। तिलक नगर से आम आदमी पार्टी आगे है और भारतीय जनता पार्टी पीछे है, वोटों का अंतर 1849 है। और जनकपुरी की अगर बात की जाए तो बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी पीछे है और 638 वोटों का अंतर है। विकासपुरी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी आगे है और भारतीय जनता पार्टी विकासपुरी में पीछे है, वोटों का अंतर 3581 है। उत्तम नगर की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी आगे है, बीजेपी पीछे है, 249 वोटों का अंतर है। द्वारका की अगर बात की जाए तो द्वारका में आम आदमी पार्टी आगे है, बीजेपी पीछे है, 476 वोटों का अंतर है। और मटियाला की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी आगे है, बीजेपी पीछे है, 1190 वोटों का अंतर है। नजफगढ़ की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी आगे है लेकिन बीजेपी पीछे है, मात्र 85 वोटों का अंतर है जो कभी भी बदल सकता है। विजवासन की अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी आगे है और बीजेपी पीछे है, 1262 वोटों का यहां अंतर है। पालम की अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी लीड बनाकर चल रही है अच्छे खासे वोटों से। डेलीकेंट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी आगे है और कांग्रेस यहां पर पीछे, 303 वोटों का अंतर है। राजेंद्र नगर की बात की जाए, राघव चड्ढा आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पीछे, 5171 वोटों का अंतर देखने को मिल रहा है। और न्यू दिल्ली की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल यहां से आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के और बीजेपी पीछे, 4387 वोटों का अंतर है। जंगपुरा में बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी पीछे, 1000 वोटों का अंतर है। और इसके अलावा कस्तूरबा नगर से भी आम आदमी पार्टी आगे है, बीजेपी पीछे है, 2226 वोटों का यहां पर अंतर है। इसके अलावा और भी कई सीटें हैं जिनमें आगे पीछे का अंतर लगा हुआ है लगातार। और बात की जाए अगर आम आदमी पार्टी की और वोट शेयर की तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वोट शेयर बहुत कम है। पटपड़गंज की अगर बात करें, मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं और बीजेपी पीछे है लेकिन मात्र 74 वोटों का अंतर है जो कभी बदल सकता है। लक्ष्मीनगर की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां आगे है, आम आदमी पार्टी पीछे है और यहां 78 वोटों का अंतर है, तो ये भी कभी भी आंकड़ा यहां बदल सकता है। तो ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर आगे पीछे का आंकड़ा बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। शाहदरा की अगर बात की जाए तो बीजेपी आगे है, आम आदमी पार्टी पीछे है और मात्र 900 वोटों का अंतर है जो कभी भी बदल जाएगा। तो ये वो आंकड़ा है जो हमने आपको बताया और लगातार अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।